हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंथ में। मैं आपकी होस्ट अर्चना आपके सामने लेकर आई हूँ जीएस पेपर 1 का पॉइंट नंबर 7, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं। इसका हम आज पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 1, 2, 3, 4 मैं पहले ही आप लोगों को करा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के तौर पर दे दिया है, आप उसे वहाँ जाके देख सकते हैं। आज इसका ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये 5 पार्टों में जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं हमारे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो हमने 3 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं। पॉइंट नंबर 6, भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं, महिला तथा महिला संगठनों की समाज में भूमिका, और ये थर्ड टॉपिक है जनसंख्या तथा संबंध समस्याएँ। मेंस में की तैयारी में आगे बढ़ते हुए हमने जीएस पेपर 1 का 3 टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया है, प्लस भूगोल की भी सीरीज़ चल रही है हमारी, वो जल्द ही आएगी। थोड़ा सा सीरीज़ आने में गैप हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जल्द से जल्द आपके सामने वो सीरीज़ कंटिन्यू होगी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जीके, जो कि वन लाइनर जीके, जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसकी भी एक सीरीज़ लाने के लिए डिसीज़न लिया है। तो वो भी सीरीज़ जल्दी ही आप लोगों के सामने आएगी, ऑलमोस्ट मंडे से ही हम लोग शुरू कर देंगे। प्लस करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी शुरू हो रही है, जिसमें वन लाइनर करंट अफेयर प्लस उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी एक वन लाइनर में प्री में कैसे पूछा जा सकता है, और उसके अंदर से भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कशन करूंगी। हम लोग आपस में डिस्कशन करके उस चीज़ को समझेंगे। तो जल्द ही बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज ये पार्ट पूरा होने के बाद मैं इसकी पीडीएफ अपने फेसबुक पेज प्लस टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रखा है। आप लोग वहां जाके उसे ज्वाइन करिए और हमसे जुड़ सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं की आज ही पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, पूरे चारों पार्ट की, पार्ट 1, 2, 3, 4, तो आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो ड्राइव से सेव है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जिन्होंने गूगल अकाउंट से उसे अपने मेल में ड्राइव सेव कर रखा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आजकल तो सब एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, तो सब में ही ड्राइव का ऐप होता है, तो इससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है, तो हम उसका कोई और सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। तो आप लोगों को इसकी आज पीडीएफ प्रोवाइड हो रही है। नेक्स्ट जैसे जैसे कोई भी कोर्स पूरा होता जाएगा, मैं उसी हिसाब से पीडीएफ आप लोगों को देती रहूँगी। तो पीडीएफ के बारे में आप लोग कोई चिंता नहीं करिए, पीडीएफ से रिलेटेड कमेंट मत करिए कि नहीं मिल रहा, क्योंकि पीडीएफ जब जैसे ही पार्ट कोई पूरा होगा तो उसके हिसाब से मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूँगी और आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आज हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो चीज़ें इसमें रह गई थी वो हम कम्प्लीट करते हैं। ये वाला टॉपिक महिलाओं एवं महिला संगठनों के समाज में भूमिका, ये वाला हमारा टॉपिक हो गया था। जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम करेंगे गरीबी और विकासात्मक विषय, ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट, जब भी वीडियो कंटिन्यू होगी तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट शुरू होगा। जल्द से जल्द ये पॉइंट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने ये टॉपिक इसमें कवर किए थे, जनसंख्या की विशेषताएं, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये मोस्टली भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने किया है एक पेपर, परिणाम, सुझाव, सरकारी नीतियां और जनसंख्या नीति 2000, इसमें हमने विशेषताएं की थी, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सुझाव, फिर हमने सरकारी नीतियां देखी थी क्या क्या थी, फिर जनसंख्या नीति 2000 के महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे और उनके उद्देश्य देखे थे, 3 उद्देश्य जो बनाए गए थे। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे उसके लक्ष्य क्या थे। मेनली जनसंख्या नीति 2000 है, उसके 14 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, 14। कुछ लक्ष्य आपके सामने हैं, तो ये मैं अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 10 पॉइंट्स भी लिखते हैं तो आपको उसमें पूरे मार्क्स मिलने के बहुत चांसेज है। और एक चीज़ और, डायग्राम का यूज़ ज़रूर कीजिएगा अपने एग्जाम में, और फैक्ट्स का यूज़ कीजिएगा कि कोई चीज़, जैसे कि यहाँ लक्ष्य की बात की गई है तो हम अगर 14 लक्ष्यों के बारे में बता रहे हैं तो इसमें हमें 14 के बारे में मेंशन करना चाहिए, प्लस जो जो लक्ष्य हैं उसमें जो फैक्ट्स हैं उसको भी हमें बताना चाहिए। तो सबसे इसमें पहला पॉइंट है निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा,
जो जनसंख्या नीति 2000 जो बनाई गई थी उसमें कहा गया था कि 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त होनी चाहिए और उन्हें आवश्यक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, मतलब कि उन्हें शिक्षा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, उन्हें शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया दिया गया था कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। स्वास्थ्य सेवाएं और अधोसंरचना, अधोसंरचना का यहाँ मीनिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जैसे कि भवन हो गए, कुर्सियाँ हो गई, मेज हो गया, जैसे स्कूल हम ले लेते हैं, शौचालय हो गए, इस टाइप से जो भी बिल्डिंग्स हैं ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो भी आता है उसे हम लोग अधोसंरचना कहते हैं। तो मूलभूत जननी और बाल विकास सेवाएं, मतलब कि मूलतः माताओं के लिए और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ प्रोवाइड करवाना, और अधोसंरचना संबंधी आवश्यकताएं पूरी करना, जैसे हॉस्पिटल है तो उसमें पूरे बिस्तर होने चाहिए, वहाँ दवाइयों की पूरी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए, स्टाफ होना, स्टाफ तो अधोसंरचना में नहीं आएगा लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली बात होती है तो वहाँ स्टाफ को, नर्स को, ये सब देखा जाता है। तो माताओं के लिए और होने वाले बच्चों के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका मेन लक्ष्य था। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर 30 per 1000, इसका मतलब है कि हमें 2010 तक, इन्हें कहा गया था कि 2010 तक जो कि शिशु मृत्यु दर है वो 1000 per 30 से कम करना, मतलब प्रति 1000 जन्म पर 30 मृत्यु दर जो होती है पर बच्चों की उससे भी कम लेकर आना यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था। ये मेनली 2010 तक के लिए लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मातृ मृत्यु दर की। तो मातृ मृत्यु दर में इन्होंने कहा था कि 1 lakh per 100 से भी कम करना, मतलब पर 1 lakh per, जैसे 1 lakh प्रसव होते हैं तो उसमें जो मातृ मृत्यु दर होता है उसमें उसे 100 से भी कम करना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट है टीके लगवाना, तो बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगवाना इसका मेन लक्ष्य था। टीकों से जो भी बच्चों को कोई भी बीमारी होती है, खसरा है, रुबेला है या फिर टाइफाइड है, कई चीज़ के टीके लगाए जाते हैं, तो इसका मेन लक्ष्य था कि प्रत्येक बच्चे तक वैक्सीनेशन की सुविधा पहुंच सके। नेक्स्ट है लड़कियों की विवाह हेतु आयु, तो यहाँ पर इन्होंने एक लक्ष्य रखा था सरकार ने कि लड़कियों की जो विवाह हेतु आयु है उसमें वृद्धि की जा सके, जैसे पहले 14 या 16 साल के बच्चों लड़कियों की विवाह हो जाता था, तो सरकार ने ये लक्ष्य रखा था ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो सके, जो भी पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है तो वहाँ उस आयु वर्ग में वृद्धि लाई जा सके, लोगों को जागरूक बनाया जा सके। नेक्स्ट इसमें बात कही गई है प्रसव 80% संस्थागत। संस्थागत प्रसव का मतलब होता है कि जो भी प्रसव हो, वो जो भी डिलीवरीज हो वो हॉस्पिटल्स में हो, ज़्यादातर किसी प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के निगरानी में हो। तो यहाँ पर जैसे कि पहले होता था घर में ही प्रसव हो जाता, डिलीवरीज घर में हो जाती थी, तो इससे रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डिलीवरीज हों वो हॉस्पिटल्स में ही हों और प्रशिक्षित नर्सों द्वारा इसमें प्रसव कराने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है गर्भपात की जानकारी। तो इन 14 लक्ष्यों में जो जनसंख्या नीति 2000 बनाई गई थी उसमें कहा गया था कि गर्भपात के बारे में पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए कि इसके क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, इसे किस टाइम में कैसे करवाया जा सकता है, किस डॉक्टर की या किस कैसे नर्स की निगरानी में ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आवश्यक है। नेक्स्ट है एड्स की जानकारी। तो इसका एक मुख्य लक्ष्य ये भी था कि लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करना, एड्स कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम कैसे है, इसका उपचार क्या हो सकता है, इस टाइप में जो भी जानकारियां हैं वो लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचाई जा सके, जिससे लोग जागरूक हो सके इस बीमारी के प्रति। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है छोटे परिवार का विचार। तो कुल प्रजनन क्षमता स्तर के लिए छोटे परिवार के विचार को प्रोत्साहित करना सरकार का एक मुख्य लक्ष्य था, मतलब कि परिवार जितना छोटा होगा उतना ही जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण किया जा सकेगा, प्रजनन क्षमता को रोकथाम की जा सकेगी, तो ये सरकार का मुख्य लक्ष्य के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट पॉइंट है संचारात्मक बीमारियों पर नियंत्रण। संचारात्मक बीमारियां वो होती हैं जो छूने से या खाने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हैं, उसे संचारात्मक बीमारियां कहते हैं। इसे प्रसारणीय बीमारियां भी कहते हैं, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से, एक दूसरे से हाथ मिलाने से, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं उसे संचारात्मक बीमारियां कहते हैं।
तो इस बीमारियों से रोकथाम और इसके नियंत्रण के लिए सरकार ने ये लक्ष्य बनाया था कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाव किया जा सके और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके कि इसके बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसका उपचार कैसे हो सकता है और इसका नियंत्रण के लिए क्या क्या कदम सरकार उठा सकती है और एज वेल एज जनता भी इसके लिए क्या कदम उठा सकती है, उनके बारे में भी सूचना इसमें दी गई थी। तो ये कुछ लक्ष्य मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट 11 लक्ष्य हैं, तो ये आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं इसके बारे में। बाकी आप अल्पावधि लक्ष्य, मध्यावधि लक्ष्य और दीर्घावधि लक्ष्य के बारे में इसमें लिखेंगे। और महत्वपूर्ण तथ्य जो भी मैंने बताया कि इसके अध्यक्ष स्वामीनाथन थे जनसंख्या नीति 2000 के, तो इस टाइप के फैक्ट्स आप इस पूरे आंसर में डाल सकते हैं। क्वेश्चन जैसा आएगा आपको आंसर राइटिंग उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी। तो आज हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। जनसंख्या और संबंधित जो उसकी समस्याएं हैं वो सब इसमें हमने इंक्लूड किया है। मैंने जितनी कोशिश की है कि अपनी तरफ से पूरा करा दूं, अगर एक आध पॉइंट्स रह जाता है तो आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगी उसे भी कंप्लीट कराऊं ऑलमोस्ट। लेकिन इतना ही पेपर में इसे अलग नहीं पूछेंगे। और ये जो पेपर मैंने कराया है ये आपको एससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एससी में भी ये फैक्ट्स आप बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। इससे रिलेटेड एससी एग्जाम में हमेशा आते ही रहते हैं। तो आज का यही वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।